डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास में हम सीखेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट कैसे अंडरस्टैंड किया जाएगा, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको फिगर एक्सप्लेन करता हूं, फिर फिगर से रिलेटेड थ्योरी बताऊंगा। और फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि आपको पहले कुछ पॉइंट्स आ जाए। वो पॉइंट्स कितने होंगे वो मैं आपको वन बाय वन बता दूंगा। देखिए, पहले मैं पॉइंट्स सारे बता दूंगा जिससे आपको कि टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। है बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, डील करते हैं। चलिए, फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट या ड्यू टू सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के लिए करना क्या है, सबसे पहले आप फिगर पे फोकस करिए। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट के लिए आपको लेना है पहले एक सोर्स। क्या ले लीजिए, मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है, यहां पे लेना है आपको एक सोर्स। क्या लेना है, सोर्स मोनोक्रोमेटिक होगा। कैसा होगा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। क्या होगा, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा का एक आपको मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेना है। और इस सोर्स को यहां पर रखने के बाद यहां बनाइए एक कॉन्वेक्स लेंस, एक बनाइए कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, मैं इतना बना देता हूं, उसके बाद बताता हूं पहले कि फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन है क्या। देखिए, ये है आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस जिसको मैंने नाम दे दिया। क्या इसका मैंने नाम दे दिया है, इसका मैंने नाम दे दिया है, ये है आपके पास L1। ये कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास L1। इसको कहां रखा आपने, सोर्स को रखा है इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर। इसका मतलब है यहां से रेज कुछ ऐसे जाएंगी, ऐसे रेज यहां से जाएंगी, और जब ये रेज इस पे पड़ेंगी तो क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस इन रेज को क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, पैरेलल रेज ऐसे जाएंगी, ये पैरेलल रेज जा रही हैं, और ये पैरेलल रेज जाकर के कहां पर पड़ेंगी, नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं किस पर, ये नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं स्लिट पर। ये आपके पास यहां पर एक स्लिट लगी है, ये आपके पास स्लिट ए बी है। ये क्या हो गई, ये आपके पास एक स्लिट ए बी हो जाती है। इसको ऐसे शो कर दीजिए, तो ये हो गए स्लिट ए बी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ये स्लिट ए बी हो जाती है। अब स्लिट ए बी देखिए ये कैसे जा रही है, ये पैरेलल जा रही है आपस में। पैरेलल का मतलब हो गया कि स्लिट ए बी पर पढ़ना क्या चाहिए, स्लिट ए बी पर पढ़ना चाहिए प्लेन वेव फ्रंट। यहां क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, तो मैं एक प्लेन वेव फ्रंट बना दे रहा हूं। जो फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन होता है वहां पर इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए, होना चाहिए आपके पास प्लेन वेव फ्रंट। तो मैं इस प्लेन वेव फ्रंट की शक्ल दे रहा हूं उसको, देखो ये है प्लेन वेव फ्रंट, यहां पे इंसिडेंट हो गया, मैंने बना दिया, ये प्लेन वेव फ्रंट है। इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट नॉर्मली इंसिडेंट होता है स्लिट एबी पर। ये एबी क्या होता है, ये हमारे पास होता है स्लिट, क्या होता है स्लिट एबी होती है। और स्लिट एबी की थिकनेस कितनी होती है या ब्रिथ कितनी होती है, इसकी ब्रिथ होती है स्मॉल ई। तो यहां पर मैं पॉइंट ले देता हूं, ये हमारे पास सी पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो लाइट बीम है वो आगे जाएंगी, इन लाइट बीम के रास्ते में क्या करेंगे हम, इन लाइट बीम के रास्ते पर हम क्या रखने वाले हैं, जो लाइट बीम आगे जाएंगी इन लाइट बीम के रास्ते में हम रखने वाले हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या रखेंगे, एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे। ये मैं कॉन्वेक्स लेंस रख दे रहा हूं, देखो ये मैंने यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है। इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल प्लेन पर मुझे रखनी है स्क्रीन, तो स्क्रीन को मैं यहां पर लगा देता हूं। देखो ये हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन कहां पर है, ये जो स्क्रीन है एम एन, ये हमने रखी है, ये स्क्रीन है, ये हमारे पास एम एन स्क्रीन है, ये हमारे पास स्क्रीन हो गई है। कहां पे है, ये लेंस L2 के फोकल प्लेन में है। ठीक है, ये लेंस L2 का फोकल प्लेन है और इस फोकल प्लेन पे हमने एक स्क्रीन को रख दिया है, स्क्रीन हमारे पास MN है। चलिए, जो यहां से बीम जा रही थी, जो बिना डिफ्रेक्ट हुई, जो बिना डिफ्रेक्शन के गई, जिस वो लाइट बीम है ये जिनमें कोई डिफ्रेक्शन नहीं हुआ, सीधे निकल गई, यहां पर पहुंची और यहां से ये पहुंच गई यहां पर, ऐसे ऐसे पहुंच गई। कुछ लाइट बीम ऐसी होंगी जो इस जगह से डिफ्रेक्ट होंगी, कहां से, यहां से, यहां से डिफ्रेक्ट होंगी, ऐसे डिफ्रेक्ट होंगी, ऐसे डिफ्रेक्ट होंगी। डिफ्रेक्ट होने के बाद
कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट बीम को कन्वर्स करना। तो किसी पॉइंट पे मान लीजिए यहां पर ये कन्वर्स हो जाती है, ये पॉइंट हमने पी ले लिया है, ये ओ हो गया, यहां पे कन्वर्स हो रही है, तो इनको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इनको आप ज्वाइन करा दीजिए, तो ये कन्वर्स हो रही है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया, ये 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 ये। तो यहां पर कितने एंगल पे ये डिफरेंट हुई है, थीटा एंगल पर, कितना एंगल है, थीटा एंगल है, कितना एंगल है, ये थीटा एंगल है। ठीक, चलिए पहले इतनी बात को समझ लेते हैं, हमने यहां पर जो भी बनाया है उसके बारे में थोड़ी सी लैंग्वेज होती है, तो ये तो प्रॉपर फिगर हो जाता है। तो फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में क्या होता है, इन फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, पहले इस बात को एक लाइन में लिख लीजिए, इन फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, इन फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, इन फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में क्या देखते हैं कि स्लिट से सोर्स और स्लिट से स्क्रीन दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सोर्स है, ये सोर्स है और ये हमारे पास स्क्रीन है। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, यहां पे लिख रहा हूं इन फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, ये स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, इतना पता हो गया। फ्राउनहोफर की जो मेन थीम है वो यही है। अच्छा, अब फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन को या फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बताया है कि कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। क्या पॉइंट्स हैं, तो मैं लिख देता हूं, टू अंडरस्टैंड द फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट, एट अ सिंगल स्लिट, वी मस्ट हैव स्टडी फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए अभी हम थ्योरी पे नहीं आए हैं, अभी हम उन चीजों को समझना चाह रहे हैं कि जिनके थ्रू या जिन पॉइंट्स के थ्रू हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट होता कैसे है। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है, इसमें क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट होता है कि हमको निकालना होता है पाथ डिफरेंस, क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। दूसरा क्या है, पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स निकालना है। दूसरा होता है फेज डिफरेंस, क्या निकालना है, फेज डिफरेंस, हमको चाहिए फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ये होता है डेल्टा फाई ड्यू टू होल स्लिट, क्या होता है यहां पे, क्या होता है, ड्यू टू होल स्लिट, ये होल स्लिट के लिए निकालेंगे। फिर हम थर्ड पॉइंट पे निकालेंगे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स ऑफ स्लिट, इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्लिट, इसको बोलते हैं डेल, डेल निकालना है। ठीक है, तो डेल निकालने के लिए हमको डेल्टा फाई चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और फिफ्थ पॉइंट होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आ गई। सिक्स पॉइंट पे आप पहुंचते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा, किसके लिए, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, अब आप मिनिमा पे पहुंच गए। मिनिमा को समझने के बाद आपको समझना है कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, क्या करना है, सेंट्रल मैक्सिमा को समझना है। देखिए अभी मैं पॉइंट सिखा रहा हूं, अभी थ्योरी पे आ रहा हूं कि थ्योरी के लिखना क्या आपको। ठीक है, और ये हमारे पास
आपको इन्हीं चीजों को डिटेल में समझना है तो इन सारे पॉइंट्स को आपको इस डेरिवेशन में दिखाना पड़ेगा। तो क्या होगा, एट नंबर में क्या आएगा, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये तो सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आपको पहले तो माइंड में स्टोर करना है। अब हम इसके बाद चलते हैं कि इसमें क्या थ्योरी लिखनी है। तो इस जो फिगर आपको दिख रहा है आप वही थ्योरी लिख दीजिए। फिगर में क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि एस सोर्स है तो लिख दीजिए सोर्स। कैसा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो थ्योरी में क्या लिखना है, तो लिखने जा रहा हूं मैं, देखो कैसे लिखना होता है, मैं यही से लिख देता हूं। थ्योरी क्या लिखनी है, थ्योरी थ्योरी रिलेटेड टू फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, एट अ सिंगल स्लिट, एट अ सिंगल स्लिट। क्या थ्योरी आती है, थ्योरी को समझिए। एस क्या है, एस है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो पहले एक लाइन लिख दीजिए, एस क्या है, एस बी द, यहां से लिखता हूं मैं, कहां से, यहां से, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। एस क्या होता है, एस बी द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एज विद द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो सोर्स है वो कहां रखा है, सोर्स इज एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या लिखूंगा, सोर्स इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, यह है L1, कॉन्वेक्स लेंस L1। L1 क्या करता है, L1 मेड रेज पैरेलल, L1 लेंस L1 मेड रेज पैरेलल। कौन सी रेज, जो रिफ्रैक्टिंग रेज है, मेड रिफ्रैक्टिंग रेज पैरेलल, रिफ्रैक्टिंग रेज पैरेलल, विच आर नॉर्मली इंसिडेंट ऑन, विच आर नॉर्मली इंसिडेंट ऑन स्लिट AB, स्लिट AB, जो नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं, जो यहां से रेज आती हैं, इनको क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल करता है और फिर वो नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं स्लिट AB पर। तो ये स्लिट AB पर नॉर्मली इंसिडेंट हो गई। यहां पर मैं इतनी लैंग्वेज ना लेकर के यही लिख सकता था, या ऐसा करके लिख सकता था, OR प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन स्लिट AB, इतना लिख देता तो भी काम चल जाता। क्या लिख देता मैं, प्लेन वेव फ्रंट, कैसा है ये, प्लेन वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट, प्लेन वेव फ्रंट नॉर्मली, नॉर्मली इंसिडेंट ऑन स्लिट AB। अगर ऊपर के लैंग्वेज को ना लिख करके हम इतना लिख देते कि प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट, प्लेन वेव फ्रंट नॉर्मली इंसिडेंट ऑन स्लिट AB तो भी काम चल जाता, ठीक है। अब क्या लिखता मैं, जो यहां से बीम रिफ्रेक्ट होगी इन द पाथ ऑफ, इन द पाथ ऑफ रिफ्रेक्टेड बीम, लेंस L2 इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ, इन द पाथ ऑफ डिफ्रेक्टेड, यहां से डिफ्रेक्शन होगा, ठीक है, इन द पाथ ऑफ डिफ्रेक्टेड, डिफ्रेक्टेड बीम। क्या करेंगे,
लेंस L2 को प्लेस कर देंगे इन द पाथ ऑफ डिफ्रेक्टेड बीम. लेंस L2 इज प्लेस्ड. प्लेस कर दिया. अब स्क्रीन कहां पे रखी है? एंड स्क्रीन MN इज प्लेस्ड. एंड स्क्रीन MN इज प्लेस्ड. MN को कहां रख रहे हैं? MN इज प्लेस्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ, इन द फोकल प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस L2. L2 जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके फोकल प्लेन पे मैंने स्क्रीन को प्लेस कर दिया है. देखिए ये तो सिंपल सिंपल लैंग्वेज हो गई. अभी मैं स्टार्टिंग में स्लो चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको समझानी है. अभी जैसे थोड़ा सा समझ में आने लगेगा फिर हम लोग स्पीड बना लेंगे. अभी क्या हुआ, अभी तो मैंने थ्योरी बता दी है कि थ्योरी में क्या लिखना होता है. ये कंस्ट्रक्शन होता है इस जो फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट या एटा सिंगल स्लिट से रिलेटेड है. अब बात आएगी कि यहां पर डिफ्रेक्शन हो कैसे रहा है, उस चीज को समझना है. उस बात को समझाया किसने? हाइगेंस ने समझाया. देखिए अब मैं थोड़ा सा पार्ट हटा देता हूं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो इन पॉइंट्स को मैं हटा देता हूं. देखिए ये 8 पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है? यहां की लैंग्वेज, नीचे की जो लैंग्वेज है इसको मैं हटा रहा हूं. लैंग्वेज क्या होगी नीचे की, ठीक है? देखिए पहले ये पॉइंट हटा देता हूं, ठीक है? यहां से मैंने हटा दिया इसको, ठीक. और ये भी हटा देता हूं. मैं लिख रहा हूं इसके आगे क्या होगा. इसके आगे ये लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस थ्योरी. हाइगेंस थ्योरी क्या बोलती है? हाइगेंस थ्योरी ये बोलती है ईच पॉइंट ऑन द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन ये है, ईच पॉइंट ऑन इंसिडेंट प्राइमरी वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट. क्या मैंने बोला? ईच पॉइंट ऑन इंसिडेंट प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट एक्ट एज आ, क्योंकि जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा तो इस स्लिट का हर एक पॉइंट क्या करेगा? इस स्लिट का हर एक पॉइंट ईच पॉइंट ऑन स्लिट, ऐसा बोलना चाहिए था मुझे. ईच पॉइंट ऑन स्लिट बोल दो या ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, जो भी वेव फ्रंट यहां पर पहुंचेगा वो क्या करने वाला है? एक्ट करेगा एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. ईच पॉइंट ऑन इंसिडेंट प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड स्प्रेड आउट. या एंड इमिट आउट, ऐसा ले सकते हो, एंड इमिट आउट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड इमिट आउट सेकेंडरी वेवलेट्स एंड इमिट आउट सेकेंडरी वेवलेट. ये बात समझ में आ गई कि जैसे प्लेन वेव फ्रंट यहां पर पहुंचेगा यहां इस स्लिट का हर पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का काम करेगा, या प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का काम करेगा और फिर उनसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी. तो इन सेकेंडरी वेवलेट्स में जो डिफ्रेक्ट नहीं होगी, है ना, मैं लिखने जा रहा हूं, द सेकेंडरी वेवलेट विच डू नॉट
डिफ्रेक्टेड डिफ्रेक्टेड एट स्लिट ए बी meet at point जो डिफ्रेक्ट नहीं हो रही है, जैसे ये 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 डिफ्रेक्ट नहीं हो रही, तो meet at point O, meet at point O through the refraction, through the refraction from lens L2 and superimpose on each other and produce brightness at O called central maxima और इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इस जगह पर वो वाली सेकेंडरी वेवलेट पहुंचेंगी जो डिफ्रेक्ट नहीं होंगी स्लिट ए बी से और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेंगी और यहां पर ब्राइटनेस फॉर्म करेंगी। तो ब्राइटनेस क्या होगी, यहां पर दिखाई पड़ेगी, ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई पड़ती है क्योंकि क्योंकि कुछ ही बीम्स डिफ्रेक्ट होती हैं और मोस्ट ऑफ द जो बीम्स होती हैं वो ऊपर पहुंच जाती है, इसलिए यहां पर जो लाइट होती है इंटेंसिटी वो ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोल देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, द सेकेंडरी वेवलेट्स विच डिफ्रेक्टेड एट सम एंगल, क्या लिखा जाएगा, द सेकेंडरी वेवलेट्स विच आर डिफ्रेक्टेड एट सम एंगल थीटा मीट एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन थ्रू, जैसे यहां पे लिखा था मैंने, थ्रू रिफ्रेक्शन फ्रॉम लेंस L2 अब जो पॉइंट पी होगा ये हो सकता है मैक्सिमा हो सकता है मिनिमा हो, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहां जो पहुंचने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उनमें पाथ डिफरेंस कितना है। तो क्या लिखूंगा मैं, पॉइंट पी विल बी इधर मैक्सिमा आर मिनिमा डिपेंडिंग अपॉन पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट्स रीचिंग एट पॉइंट पी तो ये तो इसकी हो जाती है जो भी थ्योरी बनती है फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट की, तो ये पूरी थ्योरी हो जाती है। तो यहां कुछ थ्योरी लिखी है, कुछ यहां पे लिखी है। अब इसके बाद क्या समझते हैं, इसके बाद समझते हैं कि अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे किया जाए। ठीक है, तो मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं
मैथमेटिकल एनालिसिस। चलिए अब मैथमेटिकल एनालिसिस पे आइए। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कि पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाए। तो पाथ डिफरेंस के लिए थोड़ा सा एजम्पशन है, उस एजम्पशन को लिख लीजिए। क्या कि विड्थ ऑफ स्लिट कितनी है वो लिख लीजिए, और साथ में ये लिख लीजिए कि स्लिट में कितने पार्ट्स हैं, स्लिट में कितने पार्ट्स हैं। तो एन पार्ट्स हमने ले लिए हैं, स्मॉल एन पार्ट्स हैं हमारे पास। तो यहां पर लिखेंगे कंसीडर, या लेट लिख लीजिए, लेट लेट। हम डील करने जा रहे हैं मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो लेट विड्थ ऑफ स्लिट ए बी इज इक्वल टू ई एंड स्मॉल एन बी द स्मॉल एन बी द स्मॉल एन बी द एंड स्मॉल एन बी द, या कह लीजिए कि स्लिट ए बी इज डिवाइडेड इंटू एन इक्वल पार्ट्स एंड स्लिट ए बी, ऐसा लिख देता हूं, एंड स्लिट ए बी इज डिवाइडेड इंटू एन इक्वल पार्ट्स तो यहां तक हमने कर दिया। इसके बाद अब हम ये समझते हैं एन इक्वल पार्ट्स के बाद। पहली बात हमने बताई थी, देखिए हमने आपको एट पॉइंट्स बताए हैं। उन एट पॉइंट्स में हमारे पास पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट कैलकुलेशन का हमारे पास ये था कि पाथ डिफरेंस कितना है। तो पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या लेना है, हम ले रहे हैं कि पाथ डिफरेंस बिटवीन, पाथ डिफरेंस बिटवीन एपी एंड बीपी, हम ये ले रहे हैं। लेट टू लाइट बीम्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स एपी एंड बीपी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए एपी और बीपी आपस में बराबर तो नहीं है, तो ठीक है यहां से देखिए ए से पी तक गए, जितनी भी लेंथ होगी मेजर कर ली, और फिर यहां से पी से पी पी ए के बराबर हमने यहां से लेंथ कट कर ली, जहां पे पहुंचे वहां से हमने कट कर लिया, और यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहां तक पहुंचे थे हमने ड्रा कर दिया। तो ये जो भी हमारे पास आया, ये हमारे पास आ गया पाथ का डिफरेंस आ गया, कि एपी से ये एपी और बीपी में ये पार्ट बराबर हो गया, ये पार्ट डिफरेंस आ गया। देखिए ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा थीटा, क्यों होगा थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये थीटा हुआ, ये क्या है, ये इस पे, ये इस लाइन पे नॉर्मल है, इसका मतलब ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला बचेगा 90 माइनस थीटा, क्या आएगा 90 माइनस थीटा। अब देखेंगे पूरा नीचे वाला 90 होगा, तो 90 से अगर हम 90 माइनस थीटा हटा देंगे, 90 से यहां जो मैं लिख रहा हूं देखिए 90 से 90 माइनस थीटा को लेस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 90 माइनस 90 प्लस थीटा, ये कट जाएगा तो थीटा ही तो मिलेगा। तो इसलिए क्या है, पहले ऊपर वाले में 90 लगाइए, पहले इसमें और इसमें 90 देखिए, फिर नीचे वाले में 90 देख लीजिए, इसमें और इसमें देख लीजिए 90, ठीक। तो आपको 90 में से 90 माइनस थीटा लेस कर देंगे तो थीटा समझ में आ जाएगा, क्लियर हुआ। देखो फिर से दिखा दे रहा हूं, देखिए ऐसे है ये लाइनें हमारे पास ऐसे बनी है ऐसे, ठीक है। तो हुआ क्या, हमने क्या किया, अगर ये थीटा और ये ऐसे लाइन है, ये हमने क्या किया, अगर ये थीटा है तो ये लाइन देखो, ये लाइन 90 है, तो ये अगर हो गया कितना, अगर ये थीटा है इस साइड में, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल कितना बचेगा। अब इसमें इसमें देख लीजिए, इसमें और इसमें देख लीजिए, तो 90 होता है पूरा ये लाइन में और इस लाइन में, तो 90 होता है, तो उसमें से 90 माइनस थीटा कर देंगे लेस, तो आपको थीटा मिल जाता है। इस तरह से ये बात आपको समझ में आ जाती है। चलिए अब निकाल लीजिए जरा पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालोगे, हमको निकालना है डेल्टा एक्स, क्या निकाले, इन ट्रेंगल इसका नाम दे दीजिए, क्या ए बी है, इसका नाम दे दीजिए डी, क्या दे दीजिए डी, तो ए डी बी में ले लीजिए, क्या ले लीजिए
एडीबी में इन ट्रायंगल हमको डेल्टा एक्स निकालना है, ठीक है। और डेल्टा एक्स कैसे आएगा, डेल्टा एक्स ऐसा आएगा, ये बीपी माइनस एपी यही होगा डेल्टा एक्स, ये मुझे निकालना है। कैसे निकलेगा, इन ट्रायंगल एडीबी क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू निकालेंगे परपेंडिकुलर, और ये जो पूरी लेंथ है ये हमारे पास स्मॉल ई है, तो ये आ जाएगा, हमने ऊपर मान भी लिया है। साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ये आएगा बीडी, बीडी आ गया, और नीचे कितना आ गया, ये आ गया एबी, तो बीडी की जगह पे ये आया, बीडी की जगह पे आ गया डेल्टा एक्स, और नीचे आ जाएगा ई, तो डेल्टा एक्स निकल आया, डेल्टा एक्स इक्वल टू आ गया ई साइन थीटा, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। पाथ डिफरेंस जैसे ही निकाला है तो आपको क्या निकालना है, फिर फेज डिफरेंस, क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, फेज डिफरेंस निकालना है आपको डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स किसकी वजह से होता है, ड्यू टू होल स्लिट, ड्यू टू होल स्लिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये होता है डेल्टा फाइव निकालना है, डेल्टा फाइव की जो वैल्यू होती है वो होती है के टाइम डेल्टा एक्स, यहां से क्या आएगा, डेल्टा फाइव की वैल्यू आ जाएगी टू पाई बाई लेमडा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है ई साइन थीटा, ये आ गया, ये तो निकल आया। फिर तीसरी चीज आपको निकालनी होती है क्या, फेज डिफरेंस बिटवीन, देखिए क्या निकालना है, फेज डिफरेंस क्या निकालना है, डेल बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव पार्ट्स ऑफ स्लिट, क्योंकि इस स्लिट में एन पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मैंने देखो डॉट डॉट बनाया है, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं स्लिट में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसको निकालने के लिए हमको करना ये है कि जो डेल होता है वो डेल्टा फाइव को डिवाइड कर दीजिए एन से, तो यहां से कितना आ जाएगा डेल, इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये देखो आ गई है कितनी, ये आई है टू पाई बाई लेमडा, और यहां से आया है ई साइन थीटा डिवाइड बाई एन, तो डेल की वैल्यू हो जाती है टू पाई ई साइन थीटा, और यहां से आ जाता है एन लेमडा, ऐसा आ जाता है। इसको छोटा करने के लिए हम ऐसा लेट कर सकते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू क्या कर लू मैं, पाई ई साइन थीटा डिवाइड बाई लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको छोटा कर दू इतने को, तो ये हो जाएगा डेल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, टू अल्फा बाई एन, तो ये आ जाता है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गए कितने, ये हमारे पास तीन रिजल्ट आ गए। अब हम चौथे रिजल्ट की तरफ चलते हैं, चौथा रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, चौथा रिजल्ट हमारे पास होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए चलिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मुझे ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है। ए कैसे निकलेगा, जरा देखो, ए के लिए सबसे पहले ये मान लीजिए कि स्मॉल ए क्या है, लेट स्मॉल ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ईच स्लिट, एक स्लिट से जो लाइट आती है वो कितनी होती है, वो होती है ए, एक स्लिट से जो लाइट आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, हमारे पास तो एन स्लिट है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, फॉर्मूला जरा देखिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू होता है, यहां पर आता है ए साइन एन डेल बाई टू डिवाइड बाई साइन डेल बाई टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको आप अभी याद करके चलेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम लोग आने वाले वीडियो में कर लेंगे कि ये कैसे आता है। चलिए यहां तक समझ में आया, जरा ऊपर हटा देता हूं,
ठीक है, यहां देखिए इसको हटा देता हूं, इसके आगे का काम क्या होगा, देखिए यहां से यहां पे मुझे डेल की वैल्यू पुट करनी है। डेल की वैल्यू जैसे पुट करोगे क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू मिलेगा आपको, यहां से ए इज इक्वल टू मिल जाएगा ए साइन, चलिए इसको हटा देता हूं, ए इज इक्वल टू मिला ए साइन, यहां से क्या आएगा, यहां से एन बाय टू अलग कर दीजिए, एन बाय टू अलग कर लीजिए, डेल की वैल्यू ये है टू अल्फा बाई एन, टू अल्फा बाई एन, नीचे क्या आएगा साइन, यहां से वन बाय टू अलग कर लीजिए, और डेल की वैल्यू कितनी है टू अल्फा बाई एन, देखिए टू से टू कट जाएगा, अल्फा बाई एन नीचे बचेगा, ऊपर कितना आएगा टू से टू कट गया, एन से एन कट गया, ऊपर आएगा ए साइन अल्फा, नीचे कितना आया साइन अल्फा बाई एन, नीचे क्या आ गया साइन अल्फा बाई एन, यहां लिखा जाएगा सिंस अल्फा बाई एन इज वेरी स्मॉल, दैट इज साइन अल्फा बाई एन इज इक्विवेलेंट टू अल्फा बाई एन, यहां लिख देंगे तो क्या आएगा ए इज इक्वल टू मिल जाता है ए साइन अल्फा, और यहां से आ जाएगा अल्फा बाई एन, तो एन ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू एन ए साइन अल्फा बाई अल्फा, ये आ जाता है, यहां से लिखा जाएगा, यहां से क्या लिखा जाएगा, यहां है देखो एन जो है ए, ए जो है एक स्लिट से आने वाली लाइट का एम्पलीट्यूड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा लेट ए नॉट इज इक्वल टू एन ए आ जाएगा, तो यहां से टोटल एम्पलीट्यूड कितना आ गया, एन स्लिट से आने वाली लाइट की वजह से एम्पलीट्यूड कितना है, ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा आ गया, ये तो आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब हम निकालते जा रहे हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्या आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, आई प्रोपोर्शनल टू होती है ए स्क्वायर, तो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर को लिखने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर ये लिख देंगे कि आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, लेट कर लेंगे के इज इक्वल टू वन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने वन ले लिया, तो आई इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर, ए की वैल्यू मुझे पता है, तो आई की वैल्यू आ जाए कितनी ए नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर कर देंगे, तो आई की वैल्यू मुझे आ जाती है ए नॉट स्क्वायर साइन अल्फा अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दिस इज फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट, ड्यू टू सिंगल स्लिट इन फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, ये हमारे पास स्क्रीन थी, चलिए तो यहां तक आपको मैंने सिखा दिया, इसके बाद का जो कैलकुलेशन होगा कंडीशन फॉर मिनिमा मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे, तो यहां तक स्क्रीन को पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।